अच्छा भाई आज की क्लास में हम लोगों ने जो चीज़ कवर करनी है दैट इज योर रिलेटिव एंड सिंबॉलिक एड्रेसिंग अच्छा एक चीज ध्यान रखो पहले कि ऑल दो आपके सिलेबस में ना पहले ये चीज़ मेंशन हुई भी होती थी दो तीन चीजें एक तो सिंबॉलिक एड्रेसिंग अलग से मेंशन हुई हुई होती है उसके बाद आप लोगों का जो नाइन सिक्स जीरो एट का पुराना सिलेबस था उसमें ये चीज मेंशन हुई हुई थी सही उसके बाद जो है डायरेक्टिव एंड मैक्रोस ये दो चीजें हैं डायरेक्टिव एंड मैक्रोस जो कि आप लोगों के पुराने वाले सिलेबस में लिखा हुआ था उन्होंने क्लियरली और नया जो सिलेबस है उसमें उन्होंने नहीं मैंशन किया हुआ तो अब ये चीज कहना कि इट इज आउट ऑफ द सिलेबस इसके लिए ना हम एक काम करेंगे कि हम लोग सेफ साइड पे रहने के लिए ना इन बहुत ज्यादा कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है क्योंकि ये लिंक्ड है एक तरीके से मतलब आप अगर असेंबलर पढ़ोगे टू पास ऑफ वन पास और टू पास असम्बलर पढ़ोगे तो उसमें आपको फिर ये चीज़ पता होनी चाहिए सिंबल्स क्या होते हैं सिंबॉलिक एड्रेसिंग क्या होती है तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तो एक तरीके से हम लोगों को ये सब चीज़ें जो हैं वो पढ़नी हैं तो हम पहले से इसको पढ़ के रखेंगे एहतियातन ताकि कोई मसला हो अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया तो आप लोगों को ये ना हो कि हमने इसको स्किप कर दिया तो बेहतर है कि हम उसको भी पढ़ लेंगे सही है चलो लेट्स स्टार्ट रिलेटिव एंड सिंबॉलिक एड्रेसिंग तो पहले हम लोग जरा रिलेटिव और सिम्बॉलिक एड्रेसिंग के बारे में बात करते हैं फिर वन पास असेंबलर और टू पास असेंबलर के बारे में बात करेंगे सही है चलो लेट्स स्टार्ट अच्छा ये कुछ ना आप लोगों का जो रिलेटिव एड्रेसिंग का जो सवाल है ना नाईकम् असल जो रिलेटिव एड्रेसिंग का जो सवाल है ना वो आप लोगों का आया था ट्वेंटी सेवनटीन के अंदर नहीं नहीं वही चीज़ चल रही है बेटा मादी हम लोगों ने याद करो रिलेटिव uh, एड्रेसिंग छोड़ दी थी राइट right? स्टार्टिंग के अंदर मैंने कहा था पासपर्ट के सवाल के साथ करवाऊंगा तो ये वही कर रहे हम लोग आज सही है तो पासवे के सवाल के साथ हम लोग रिलेटिव एड्रेसिंग को स्टडी करेंगे लेकिन दिस इज वन ऑफ द समझ लो बहुत पुराना सवाल है दो का सवाल है ये तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना रिलेटिव एड्रेसिंग की इसमें थोड़ी बहुत ऐसी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को देखेंगी जो आप लोगों ने पहले नहीं देखी भी होंगी जो मैंने अभी तुम लोगों को लास्ट टाइम इंस्ट्रक्शन सेट दिखाया था तो पहली तो ये है हमारे पास विच इज आउच के नाम से दिस इज बेसिकली द सेम थिंग बस आउट जो आप लोग पढ़ते हो अभी रिसेंट उसमें तो दैट्स द सेम थिंग अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आउटपुट द करेक्टर कॉरिस्पॉन्डिंग टू द एज की करेक्टर बस ये पुरानी वो है पुराना आप लोगों का कोड था तो इस वजह से ये इस्तेमाल होता था देन यू हैव दिस जे एन ई तो जे पी एन आप लोग इस्तेमाल करते हो तो वही सेम चीज़ है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर आप लोग जम करोगे तो बस ये थोड़ा बहुत इसके जो वर्डिंग्स हैं वो डिफरेंट है बाकी ट्राई करते हैं इसको अटेम्प्ट करने की इंशाल्लाह उम्मीद है कि सही सवाल सॉल्व हो जाए तो आप लोगों से भी प्रॉपर तरीके से इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं लेट्स राइट right. अच्छा ये सवाल है और आप लोगों की रिलेटिव एड्रेसिंग होती क्या है दैट इज LDV सही है LDV के नाम से आप लोगों की होती है रिलेटिव एड्रेसिंग LDV रिलेटिव एड्रेसिंग मूव टू द एड्रेस एन लोकेशंस फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन

फ्राम द एड्रेस द करेंट इंस्ट्रक्शन लोड द कॉन्टेंट ऑफ दिसमुलेटर इसके बारे में बात करते हैं सम वर्ट सिमिलर ही है जो हम लोगों ने पुराने वाले उसमें किया है बट इट्स थोड़ा बहुत जो है वो चेंज्ड है तो आप लोगों को उसको समझ आ जाना चाहिए इतना कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों को चलो लेट्स बहुत सिंपल है बहुत सिंपल कोई मुश्किल चीज नहीं है मेरे साथ स्टार्ट करो अच्छा क्या कह रहे हैं भाई वो आप लोगों से कंप्लीट द ट्रेस टेबल फॉर द फॉलोइंग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आप लोगों को नीचे ट्रेस टेबल दी है उन्होंने इसको फिल करने को बोल रहे हैं एक काम करते हैं आप लोगों की आसानी के लिए लेट मी ब्रिंग दिस साइड बाय साइड ताकि आप लोग जो हो इजीली देख सको चीजों को लेट मी नो इफ इट इज विजिबल बताओ भाई इज इट विजिबल सबको और जूम कर सकते हैं हम लोग काफ़ी आएगी हाँ चलो अब बताओ इज इट विजिबल सबको विजिबल है इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं थोड़ा बहुत चलो बेहतरीन चलो अब इस ट्रेस टेबल और बड़ा कर दो मी ब्रिंग दिस फॉरवर्ड एक मिनट ठीक है इतना काफी बोला था अब्दुल समध, अब्दुल बेटा कहते तुम्हें चलो बेहतरीन लेट्स स्टार्ट देखो बहुत आसान सवाल है इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट बहुत आसान है कुछ भी मुश्किल नहीं है एक एक करके स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ हमने Uh, उन्होंने हम लोगों को ना ये सिंबल्स होते हैं ये आप लोगों के स्टार्ट प्रोग्राम कैरी ऑन फिनिश काउंट डाउन ये सब क्या है ये आप लोगों के सिंबल्स कहलाते हैं पहले मैं जरा थोड़ी बहुत चीज़ें तुम लोगों से इसको स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीज़ें तुम लोगों को मैं आ, बताना चाह रहा हूँ हम लोगों के पास कुछ चीज़ें होती हैं दैट इज फर्स्ट इज एपसल्यूट एड्रेस ये आगे जाके और ज्यादा काम आएगा तुम लोगों को जब हम सिंबल टेबल को पढ़ेंगे अभी फिलहाल हमारे पास एक होता है एड्रेस और एक होता है आप लोगों के पास रिलेटिव एड्रेस इस चीज को समझते हैं पहले ये दो चीजें समझ आ गई तो इजीली तुम लोगों को सारी चीजें समझ आ जा जाएंगी अच्छा मैं एक काम करता हूँ तुम लोगों को एक डिफरेंट तरीके से इन दोनों चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि ये तुम लोगों की एक रोड है जिस एक स्ट्रीट है तुम लोगों की और उसके अंदर जो है ये तुम लोगों के पास अलग अलग घर बने हुए हैं एक यहाँ पे घर है एक यहाँ पे घर है एक यहाँ पे घर है सही है फॉर एग्जाम्पल इस घर का ये तुम्हारा घर है ये किसी एक बंदे को ले लेते हैं अब्दुल समद साहब का घर है भाई ये सही है ये समद साहब का घर है अब समद साहब ने क्या किया हुआ है यहाँ पे उनका एक्चुअल एड्रेस क्या है उनका एक्चुअल एड्रेस है सपोज कर लेते हैं ए थर्टीन ऐसी रैंडम एड्रेस ले लेते हैं ए थर्टीन अच्छा जो एक्चुअल एड्रेस होता है ना दैट इज योर एबसुलूट एड्रेस जो आपका एक्चुअल एड्रेस है जो एक्चुअल उस स्ट्रीट के ऊपर जो एक्चुअल एड्रेस है दैट इज योर एप्सुलूट एड्रेस अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ समद साहब ने जो है ना अपने घर को ए थर्टीन से नहीं उन्होंने एक उसको नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं गुलशने समद ऐसे ही कुछ नाम दे दिया उन्होंने गुलशन समद के नाम से उन्होंने दे दिया अब उन्होंने क्या कर दिया एक लेबल दे दिया किसको अपने घर को सुनो एक लेबल दे दिया है गुलशन समद जो है उन्होंने एक तरीके से अपने घर को एक लेबल दे दिया तो एब्सुलूट एड्रेस क्या था जरा सब चार्ट पर बताएं मुझे इस घर का एबसुलूट एड्रेस क्या है ये बताओ जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। एब्सुलूट की बात हो रही है मादी माध्यबसूट मतलब एक्चुअल एड्रेस क्या है दैट्स थर्टीन सही है और इसको एक लेबल दिया हुआ हमने इसका सिंबल किया इस घर का अगर मैं बोलू गुल्शन समझ जाना है तो तुम लोगों को इजीली दिमाग में आ जाएगा हाँ ए थर्टीन की बात हो रही है सही है तो हमारी मेमोरी भी कुछ इस तरीके से ही होती है सही है मैं भी इस चीज को हटा नहीं रहा मुझे रिलेटिव एड्रेस भी समझाना है तुम लोगों को तो इससे भी हम बात करेंगे भी तुम लोगों से इसके हवाले से भी सही है बिल्कुल ऐसे ही है हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको वेरिएबल के नाम से भी समझ सकते हैं अच्छा वेरिएबल्स जो होते हैं जो आप लोग की टेम्प्रेरी मेमोरीज होती हैं पेपर टू के अंदर तुम लोग पढ़ोगे वेरिएबल्स के बारे में सही है ए थर्टीन इज योर एबसोलूट एड्रेस जो हमने अभी हमने घर की एग्जाम्पल देखी और एक सिंबल असाइन कर दिया था हम लोगों ने जो हम इस एड्रेस को इस्तेमाल करने के बजाय हम सिंबल इस्तेमाल कर रहे थे उसको एक नाम असाइन कर दिया था विच वॉस गुलशन समत के नाम से सही है तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी बात करते हैं जब इंस्ट्रक्शन सेट्स की ना तो इन इंस्ट्रक्शन की कोई एबसोलूट एड्रेस होगा जहाँ पे ये एक्चुअल मेमोरी में मौजूद है जैसे हंड्रेड हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड टू हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड एंड फोर अच्छा तो ये एप्सोलूट एड्रेसेज है जिनके एक्चुअल है, होते हैं ना ये उनकी बात हो रही है लेकिन हमने इनको इस्तेमाल करने के बजाय क्या कर दिया उनको एक सिंबल दे दिया लेबल दे दिया तो दैट इज स्टार्ट प्रोग्राम इज एक्चुअली हंड्रेड सही है अच्छा अब बात करते हैं रिलेटिव एड्रेसेस की अब रिलेटिव एड्रेसेस क्या होते हैं अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक बंदा है ये स्ट्रीट है ये स्ट्रीट है भैया आप लोगों के भी स्ट्रीट वाली एक्साम्पल से ही समझाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को रिलेटिव अच्छा सबको एब्सोलूट क्लियर हो गया पहले ये बताओ मुझे पहले ये बताओ सब एब्सुलट सबको क्लियर हुआ अच्छा अब्दुल्ला इमरान मैं समझाता हूँ अच्छा फिर से देख लो एबसुलूट एड्रेसेस क्या है एक्चुअल एड्रेस ऑफ योर इंस्ट्रक्शन या आपकी इंस्ट्रक्शन असल में मेमोरी में कहा जाके स्टोर हुई हुई है उसको एब्सुलूट एड्रेस कहते हैं अब्दुल्ला इमरान अब चीज समझ आई आपकी इंस्ट्रक्शन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपकी मेमोरी के अंदर ना हार्ड ड्राइव के अंदर या रैम के अंदर कोई एक जगह होगी रैम के अंदर जहां पे ये आपकी लोकेशन स्टोर हुई हुई है ये जो इंस्ट्रक्शन है तो उसका एड्रेस क्या है हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है सही है सर प्रोग्राम में तो काफी सारे सारे वो सारों को बिल्कुल ऐसे ही है रिलेटिव की बात नहीं हो रही अभी रिलेटिव मैंने समझाया भी नहीं है मैंने अभी सिर्फ एबसोलूट की बात की है तो अगर स्टार्ट प्रोग्राम का एपसोलूट एड्रेस इज हंड्रेड फिर CMP का क्या होगा जो दूसरी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इसका वन जीरो वन होगा ये रैम के अंदर वन जीरो वन लोकेशन पे मौजूद होगी ये एबसुलूट ये एक्चुअल एड्रेसेस हैं सही है तो हमने इनको कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हमने नाम दे दिया जैसे स्टार्ट प्रोग्राम लेबल प्रोवाइड कर दिया क्यों करते हैं ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए हम उसको समझ सके हम वन हंड्रेड को नहीं समझ सकते इतना आसानी से जितना हम लेबल्स को समझ सकते हैं क्योंकि लेबल्स जो होते हैं वो इंग्लिश में हम लोग उनको असाइन करते हैं सही है चलो अब जरा रेलेटिव एड्रेसेस की बात करते हैं ये हमारे पास कुछ घर है यहाँ पे एक घर है दो घर है तीसरा घर चौथा घर पांचवा घर छठा घर सातवा घर सेवन हाउसेज है हमारे पास एक रोड के ऊपर अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई डिलीवरी वाला आया है बंदा अच्छा मुझे इधर की ये बताओ ये कौन सी अगर इस तरीके से मैं तो को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये ऐसे हैं चलो अब मुझे बताओ यहाँ से राइडर यहाँ पे खड़ा हुआ है दिस इज राइडर और वह पूछ रहा है भाई मुझे जाना है इस घर की तरफ तो यहाँ पे जो बंदे मौजूद है वो क्या बोलेगा किस छ आगे चले जाओ छे घर आगे चले जाओ तो वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा आ, जो भी तुम्हारा जो एड्रेस है ऐसे ही है इस चीज़ को फिर से रिपीट करूँ वर्ष सुनो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका राइडर जो है वो इस पर्टिकुलर घर पर मौजूद है तो वो क्या बोलेगा कि भाई मुझे सिक्स हाउस पे जाना है मुझे इस वाले इसको नाम दे देते हैं ए हाउस दे देते हैं ऐसे ही रैंडम नाम तो मुझे ए हाउस तक जाना है तो आप मुझे जो है इसका एड्रेस समझाइए तो यहाँ पे जो बंदा मौजूद था वो क्या बोलेगा भाई आप छह घर छोड़ के मतलब छः घर सिक्स हाउस की तरफ चले जाए ऐसे ही है यस या नो यस या नो तो पहले कितने घर हैं छः घर जो पहले बंदे ने बोला कि छः घर जो है आप छोड़ के छः घर छोड़ने के बाद फिर आपका घर आ जाएगा जहां पे आप जाना चाह रहे हो अच्छा अब मुझे यहां से बताओ अब राइडर यहां पे पहुंच गया उसको घर नहीं मिला सही है अब राइडर यहां पे पहुंच गया तो अब क्या बात चेंज हो जाएगी अब अब तो वो ये नहीं बोलेगा ना कि छः घर छोड़ के जाओ अब वो कहां से एड्रेस बताएगा वो इस लोकेशन से एड्रेस बताएगा यस या नो वो इस लोकेशन से एड्रेस बताएगा हम थर्ड हाउस पे मौजूद हैं सही है हम थर्ड हाउस पे मौजूद हैं अब थर्ड हाउस से हम बताएंगे ना कि बेटा अब तीन घर छोड़ के जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा घर मिल जाएगा ऐसे ही है अब वो क्या बोलेगा तीन घर छोड़ के जाओगे तो मिल जाएगा यस yes नो no? जल्दी 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 अच्छा रिलेटिव हैं ना ये रेलेटिव एड्रेस है अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा बहुत सी से रिलेट करते हैं थोड़ी बहुत चीजों को ताकि आपको समझ आना स्टार्ट हो जब भी हम बात करते हैं एब्सोलूट रियल एड्रेस है तो उसका मतलब रिलेटिव मास्ट एड्रेस होगा कह सकते हो शेयर यार एब्सोलूट एड्रेस जो है वो एक्चुअल घर सही है रेलेटिव एड्रेस क्या होता है इस घर से मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन से रेलेटिव टू दिस लोकेशन आपका कितना एड्रेस मौजूद है सही है अब जरा इस सवाल को स्टार्ट करते हैं तो तुम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ना नहीं क्लियर हुआ कोई मसले की बात नहीं है अब ये सवाल को स्टार्ट करते हैं बाई टाइम जैसे जैसे हम लोग समझते जाएंगे सवाल को समझते जाएंगे तो ईजिली आप लोगों को एब्सोलूट और रेलेटिव क्लियर हो जाएगा ठीक है चलो अब जरा स्टार्ट करते हैं इट्स इट्स वेरी सिंपल कोई मसले की बात नहीं है अच्छा अब वो क्या कह रहा है आप लोगों से एल डी वी काउंट सही है एल डी वी काउंट में मतलब क्या होता है पहले तो मुझे काउंट की सब वैल्यू बताएं जाके काउंट डाउन की एक वैल्यू है वो बताओ समझो जल्दी से एंड दैट इज फिफ्टीन तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है एल डी वी हैश टैग ऐसे ही है यस यू नो बेटा सब चैट पे एक्टिव हो जाओ वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है सब चैट पे एक्टिव हो जाओ मेरे साथ सही है इसी तरीके से एल डी वी हैश टैग चलो मादी अभी फिलहाल जिस पे हम हैं ना उसकी बात हो रही है अभी हम इस पे एल डी वी काउंट डाउन इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है हमारा वो भी वैल्यूज हैं लेकिन वो बाद में इंक्रीमेंट होंगी वो बाद की देखी जाएगी बाद में देखी जाएगी अभी फिलहाल जो काउंट डाउन की वैल्यू सबसे टॉप वाली है दैट इज फिफ्टीन सही है चलो बेहतरीन अच्छा अब एल डी वी फिफ्टीन का मतलब क्या है एल डी वी फिफ्टीन का ये मतलब है कि इस इंस्ट्रक्शन से इधर से स्टार्ट करो और फिफ्टीन तक की काउंटिंग करो इसका ये मतलब है यहां से मुझे बताओ पंद्रह घर छोड़ने के बाद जो भी वैल्यू है उसको लोड कर दो मैं तुम लोग को अगर स्ट्रीट वाली एग्जाम्पल से समझाऊं इस इंस्ट्रक्शन से एल का मतलब ये होता है यहां से स्टार्ट करो और पंद्रह घर छोड़ के ये हर एक एक वो घर की तरह हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पंद्रह घर छोड़ने के बाद जहां पे भी जो भी डाटा आए आपका उसको लोड कर दो सही है एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी हुई थी आपको फिफ्टीन अच्छा अब जरा पहली इंस्ट्रक्शन को हम लोग परफॉर्म करें दैट इज हाँ हाँ अब्दुल्ला इमरान बेटा अभी कुछ किया नहीं है मैंने अभी टेंशन नहीं लो तुम तो. जब पूरा सवाल हो जाए फिर पूछना मुझसे कोई करना कोई मसला नहीं अच्छा अभी वो क्या बोल रहे हैं एल डी वी हेश टैग फिफ्टीन तो हम पहले काउंटिंग करेंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इन टेन एलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन अच्छा हमेशा ये काम कर लिया करो जहाँ पे भी एल डी बी मिला करे ना तुम लोग को वहाँ से काउंटिंग कर लिया करो जीरो वन टू थ्री जहाँ पे भी एल डी बी लिखा हो वहाँ से काउंटिंग कर लिया करो पूरे हर एक एक, एक इंस्ट्रक्शन की अब ये आपके एक्चुअल एड्रेसेस हैं ये बताओ आर द एक्चुअल एड्रेसेस एब्सोल्यूट एड्रेसेस असल में उसका एड्रेस जीरो ही होगा ये बताओ क्या ये सब एब्सोल्यूट एड्रेसेस हैं असल के एक्चुअल एड्रेसेस हैं यस या नो बेटा दीज आर नॉट एब्सोल्यूट एड्रेसेस ये सिर्फ रिलेटिव एड्रेसेस हैं रिलेटिव एड्रेसेस कौन से हैं इस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इस इंस्ट्रक्शन के रिलेटिव होंगे दीज आर नॉट एक्चुअल एड्रेसेस इस चीज को समझो अब्दुल रहमान बहुत गौर से सुनो चीजों को दीज आर नॉट योर एक्चुअल एड्रेसेस ये से बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से आप लोगों के पास कौन कौन से एड्रेसेस आ रहे हैं सही है दिस इज रेलेटिव टू दिस लोकेशन इस चीज को समझो सही रेलेटिव टू दिस लोकेशन मतलब इस लोकेशन से पंद्रह और आगे जाओगे तो उसकी बात हो रही है चलो अब फिर से पढ़ते हैं जरा चीजों को उसने कहा एल एल डी एफ हैश टैग फिफ्टीन तो आप काउंटिंग करो वन टू थ्री फोर और ये आपने ऐसे सारी काउंटिंग की आपने काउंटिंग करने के बाद फिफ्टीन इंस्ट्रक्शन पे जो भी डाटा है उसको लोड कर दो अक्यूमिलेटर में आपने सिक्सटी सेवन लोड कर दिया दियाटर में यहां तक सब साथ हैं मेरे यस yes या नो no? जल्दी जल्दी बताओ सब साथ हैं जल्दी 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 बेटा कुछ भी नहीं किया मैंने सिर्फ काउंटिंग की एल डी भी फिफ्टीन कह रहा था तो फिफ्टीन पे जाके जाके मैंने वैल्यू को उठा ली बिल्कुल जहां एल डी वी होगा अब्दुल्ला इमरान जहां एल होगा ना काउंट डाउन की बात नहीं हो रही जहां एल डी भी होगा वहां सेन तक लिखा है फिफ्टीन से ज्यादा लिख लिया एक्स्ट्रा फिर उन्होंने फिफ्टीन तक का कहा था फिफ्टीन इंस्ट्रक्शन को उठा के हमने accumulator में लोड कर दिया अब जरा यहाँ पे मैं रुकता हूँ तुम लोगों के लिए अब वापस चलते हैं हम अपनी एक्चुअल डेफिनेशन के अंदर अब जरा मेरे साथ पढ़ो अब गौर से पढ़ो सुकून से पढ़ो कोई जल्दी नहीं इसमें क्या कह रहे हैं भाई रेलेटिव एड्रेसिंग मूव टू एड्रेस दुकेशन खुद पढ़ो खुद समझो चीजों को मूव टू द एड्रेस दुकेशन फ्रॉम द एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन जो करंट 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 इंस्ट्रक्शन है एल की वहां से मूव करो एन लोकेशन तक मतलब अगर यहाँ पे फिफ्टीन लिखा हुआ है तो फिफ्टीन टाइम्स मूव करो लोड द कॉन्टेंट ऑफ दिस एड्रेस टू एड्रेसिटर समझ आई सबको डेफिनेशन अभी है चार्ट definition अब ये चार्टैक्ट मेरे साथ सबको डेफिनेशन समझ आई अब जिस इंस्ट्रक्शन पे हो उस इंस्ट्रक्शन से एन लोकेशन मतलब फिफ्टीन लोकेशन मूव करो या इलेवन लोकेशन या ट्वेल्व जो भी नंबर दिया हुआ होगा उतनी लोकेशन मूव करो और जहां पर भी पहुंचो उसका कॉन्टेंट लोड कर दो सही चलो मूव ऑन बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है हमेशा हो सकता है मल्टीपल व्यू तो कोई मसला नहीं है अब्दुल्मरान क्या फ़र्क पड़ेगा उस इंस्ट्रक्शन से काउंटिंग कर लेना जहां पे भी अगर दूसरी दफा भी लिखा हुआ तो चलो लेट्स लेट्स मूव ऑन अब हम करते हैं सी एम पी नम सी एम पी वन में क्या वैल्यू है बेटा बताओ सब सिक्सटी सेवन को कंपेयर करवाना है किस से नंबर में वैल्यू बताओ जल्दी 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 सबके जवाब चाहिए थर्टी टू से इज दिस कंडीशन ट्रू

नम वन कंपेयर करो नम नंबर की वैल्यू के साथ नम नंबर में क्या वैल्यू है हुसैन सही थर्टी टू थी उससे कंपेयर करवाया अच्छा कंपेयर हमारा फॉल्स आ गया तो हम जे एन ई करेंगे बिल्कुल करेंगे जे एन ई जे एन ई में क्या कह रहे हो वो कैरी ऑन पे जम्प कर जाओ कैरी ऑन पे क्या चीज है कैरी ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है आउच करने को बोल रहा है आउच इज एक्चुअली आउट आउटपुट में क्या जनरेट कर देंगे हम लोग सी जनरेट कर देंगे यस या नो सब साथ हो मेरे यहाँ तक सुकून से देखो चलो हमने जे एन ई किया जे एन ई ने बोला कैरी ऑन पर चले जाओ हम कैरी ऑन पर आ गए कैरी ऑन पे आउट लिखा हुआ था आउट एक तरीके से लिखा हुआ था तो आउट किया हमने सिक्सटी सेवन की वैल्यू वो सी तो हमने यहाँ पे आउटपुट में सी डाल दिया कोई मसला किसी को यहाँ तक सब कुछ हजम हो रहा है अभी तक जल्दी जल्दी बेटा चैट एक्टिव हो अब्दुल्ला इमरान बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ही शेर यार फिर से समझाऊं चलो ठीक है सबको तक हमने लोड कर दिया था। इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं। उसके बाद जो अक्यूमलेटर में मौजूद थी इसको कंपेयर किया हमने किसके साथ नम वन में जो वैल्यू थी शहरियार तो दैट वॉज थर्टी टू कंपेरिजन फॉल्स हो गया या ट्रू हो गया शहरियार हमारा सी एम पी फॉल्स हो गया बेहतरीन अच्छा उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन थी जे एन ई जे एन ई क्या कहता है कि भाई इफ फॉल्स देन जंप तो क्या हम जंप करेंगे यस या नो जंप करेंगे कहां पे जंप करने को बोल रहा है कैरी ऑन पे यस या नो कैरी ऑन पे जंप करने को बोल रहे हम कैरी ऑन पर आ गए कैरी ऑन पे पहुंचे तो वहां पे लिखा हुआ था आउच आउच मतलब आउट आउट कर दो जल्दी से सिक्सटी सेवन की सिक्सटी सेवन अक्यूमिलेटर में था आउटपुट कर दिया सी हो गया कोई मसला यहाँ था शहरिया चलो बेहतरीन आउट तक हो गया था उसके बाद हम यहां तक कर चुके हैं। अब एल डी डी काउंट डाउन पर आ जाओ काउंट डाउन की वैल्यू बताओ मुझे एल डी डी काउंट डाउन एल डी डी काउंट डाउन एल डी डी मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग काउंट डाउन पे जाओ वैल्यू उठाओ लोड कर दो सब बताएं जल्दी से वॉट इज द वैल्यू ऑफ एल डी डी काउंट डाउन फिफ्टीन यहाँ पे उन्होंने फिफ्टीन करके दिखाया हुआ आप लोगों को बेटा हमने अभी कुछ चीजें गिवन थी अब्दुल्ला इमरान

वैल्यू है एक्चुअल उसकी वैल्यू फिफ्टीन है चलो लेट्स मूव ऑन टू डिक्रीमेंट अब अब बताओ क्या वैल्यू हो जाएगी एक्यूमिलेटर में वैल्यू बस फिफ्टीन अब क्या वैल्यू हो जाएगी डिक्रीमेंट करने के बाद फोर्टी है में डिक्रीमेंट कर दिया उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो फिफ्टीन एक्यूमिलेटर में कैसे आया बेटा अब्दुल्ला इमरान यहाँ पे फोकस करो हमने आउटपुट कर दिया था यहां तक साथ हैं मेरे अब्दुल्लामरान अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या कहा एल डी डी काउंट डाउन काउंट डाउन जाओ जो वैल्यू मौजूद है लोड कर दो समझ आया हूं? चलो यहाँ पे फिफ्टीन आ गया ठीक है फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा डिक्रीमेंट करने को फिफ्टीन के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी एक्यूमिनटर में जो वैल्यू है बताओ इमरान फिफ्टीन के बाद क्या हो जाएगी डिक्रीमेंट करने के बाद बेटा माइनस वन करते हैं ना हाँ ना तो फोर्टीन बोलो ना घबरा क्यों रहे उतना फोर्टीन हो गई फिर वो क्या कह रहे हैं स्टोर काउंट डाउन क्या कह रहे हैं काउंटाउन के अंदर स्टोर कर दो काउंट डाउन की वैल्यू वॉस फिफ्टीन अब क्या हो जाएगी फोर्टीन हो जाएगी बेहतरीन राइट फोर्टीन इन काउंट डाउन बेहतरीन हो गया उन्होंने क्या कहा काउंट डाउन में स्टोर करने को बोला तो हमने काउंटाउन में स्टोर कर दिया अच्छा उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहे हैं स्टार्ट प्रोग्राम पे जम कर दो जे एम पी जे एम पी में कोई कंडीशन चेक होती है यस yes या नो जे एम पी में कोई कंस्ट्रक् कोई कंडीशन चेक होती है कोई कंडीशन चेक नहीं होगी बस वो जम करने को बोल रहे हैं तो आप जम कर दो स्टार्ट प्रोग्राम पर आ जाओ स्टार्ट प्रोग्राम पर आ गए स्टार्ट प्रोग्राम में वो क्या कह रहे हैं फिर से एल डी बी काउंट डाउन काउंट डाउन की वैल्यू इज नाउ फोर्टीन काउंट डाउन की वैल्यू इज नाउ फोर्टीन अब बताओ मुझे अक्यूमलेटर में क्या डालू डेटा तुम लोग बताओ अब्दुल समद गौर से देखो बेटा एल डी बी फोर्टीन मतलब यहां से फोर्टीन तक की काउंटिंग करो वन टू थ्री फोर फोर्टीन तक आओ वहां से वैल्यू उठाओ और लोड करो आयशा अब्दुल समद क्लियर हो ये चीज एल डी भी लिखा हुआ है फोर्टीन तो फोर्टीन तक की काउंटिंग करके जाओ फिफ्टी वन पे पहुंचोगे इसको लोड कर दो आयशा अब्दुल समद क्लियर अब्दुल्ला इमरान राहित सिद्दीकी यहाँ तक सबको क्लियर है चलो बेहतरीन 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 लेट्स मूव ऑन कंपेयर करो नम वन के साथ फिफ्टी वन को कंपेयर करो नम वन के साथ नंबर में वैल्यू वॉज थर्टी टू कंडीशन फॉल्स हो गई कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी बिल्कुल कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम जे एन ई करेंगे जे एन ई कैरी ऑन कैरी ऑन पर आ जाओ यहाँ पर आ गए आउट करने को बोल रहा है, फिफ्टी वन की क्या वैल्यू है फिफ्टी वन पे क्या आउटपुट जनरेट करने को बोल रहा है वो थ्री तो हम यहाँ पे थ्री जनरेट कर देते हैं ये हो गया जी चलो आउट कर दिया अब एल काउंटडाउन बताओ भाई काउंटडाउन की वैल्यू चेंज हो के फोर्टीन हो चुकी है एल ई डी काउंट डाउन काउंट डाउन पर जाओ वैल्यू को उठाओ और लोड कर दो फोर्टीन बेहतरीन उसके बाद क्या बोल रहा है डिक्रीमेंट काउंट डाउन में फोर्टीन के बाद क्या हो जाएगी अब थर्टीन बेहतरीन फिर बोल रहा है स्टोर काउंट डाउन में थर्टीन को काउंट डाउन में स्टोर कर दो बिल्कुल मादी एल काउंटडाउन करोगे तो अक्यूमिलेटर में लोड करोगे ना एल करता ही यही है ना कि आपको काउंट डाउन uh, उस पर एड्रेस पे जाओ वैल्यू उठाओ डाल दो सही अब काउंट डाउन की वैल्यू थर्टीन हो गई स्टोर कर दिया अब क्या कह रहे हैं जी एम पी स्टार्ट प्रोग्राम वापस से स्टार्ट प्रोग्राम पे चले जाओ फिर हम यहाँ आ गए घूम के अब एल डी वी काउंटाउन काउंट डाउन की वैल्यू इज़ नाउ थर्टीन अब बताओ क्या चीज़ लोड करूँ मैं क्यूमरेटर आप सबका जवाब सही आना चाहिए सबका जवाब सही आना चाहिए बताओ भाई एल डी वी थर्टीन थर्टीन तक की काउंटिंग करो थर्टी टू वैल्यू उठा के डाल दो थर्टी टू लोड कर दिया आपने बेहतरीन जवाब आ गया सबका अच्छा नेक्स्ट कंपेयर करो नम वन के साथ थर्टी टू को कंपेयर करो नम वन के साथ बताओ कंडीशन ट्रू हो गई बेहतरीन कंडीशन ट्रू हुई तो हम जे एन ई करेंगे नहीं करेंगे अब जे एन ई हम क्या करेंगे जम्प करेंगे जम्प कहाँ पे करने को बोल रहा है फिनिश पे यहाँ पर आ गए सही है यहाँ पर आ गए हम लोग अब क्या चीज लोड करूं एलडीएम हैशटैग 88 एलडीएम वाज इमीडिएट एड्रेसिंग बस लोड कर दो कुछ खुशबू देखो ऐसा ही है एलडीएम ऐसे ही होता था कि बस लोड कर दो बेटा ये है ना मादी नंबर नीचे देखो ना चल बताओ अब फिनिश तक आ गए एल डी एम एटी एट क्या चीज डालू क्यूमुलेटर में सब बताओ एटी एट एटी एट को लोड कर दिया क्यूमलेटर में फिर बोल रहे तो क्या आ जाएगा एक्स ये हो गया आपका सवाल ये पांच मार्क का क्वेश्चन है अच्छा अब जरा सा बताओ मुझे एब्सोल्यूट एड्रेसेस मतलब एक्चुअल एड्रेसेस जो उसकी मेमोरी में रिलेटिव एड्रेसेस उस इंस्ट्रक्शन से क्या रिलेटिव एड्रेस बन रहा है आपका सही है तो द थिंग बेटा राय से देखिए इसका और सवाल है ही नहीं हमारे पास दैट्स दैट्स द मेन इशू आज तक सब एक ही सवाल इसका. है इसका बेटा कंपेयर ट्रू होगा अब्दुल्लामान कंपेयर ट्रू होगा तो हम जे वाला काम नहीं करेंगे हम पे चले जाएंगे हम जम करेंगे जम करने के बाद फिनिश पे पहुंच गए एल डी एम किया आउट किया दैट्स इट ये ट्वेंटी सेवनटीन का क्वेश्चन है चलो लेट्स मूव ऑन थोड़ा बहुत और चीज़ों को आगे लेके चलते हैं अच्छा अब मुझे बात करनी है तुम लोगों से सिंबल टेबल से रिलेटेड दिस इज वन ऑफ द थिंग जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है तो अब सब मेरे साथ फोकस करेंगे अच्छा अब मैं अगर ये तुम लोगों को बोला हूँ एड्रेस तो ये तुम लोगों को समझ आना होगा कि ये एब्सुलूट एड्रेस मतलब एक्चुअल एड्रेसेस की बात हो रही है ठीक है अच्छा अब वो करते हैं क्या है हम लोग अब ज़रा इस चीज़ को समझो मेरे साथ क्या मशीन आ, आपका जो कंप्यूटर है क्या ये चस, ये सब चीज़ें समझ सकता है स्टार्ट प्रोग्राम कैरी ऑन फिनिश काउंट डाउन नंबर वन ये बताओ अच्छा तुम लोग को एक डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपका जो राइडर है आपको जो राइडर है जो राइडर डिलीवरी करने आ रहा है क्या वो ये चीज देखेगा अच्छा इन्होंने तो इसको नाम दिया हुआ गुलशन समझ क्या उसको उससे फर्क पड़ेगा ये बताओ उसको तो उसको क्या चाहिए आपके राइडर को क्या चाहिए उसको एप्सोलूट एड्रेस चाहिए जब तक उसके पास एप्सलूट एड्रेस नहीं होगा तो वो कोई काम नहीं कर सकता है सही है अगर तुम उसको बोलो बेटा तुम लिख दो अपने डिलीवरी दराज के अंदर जाके लिख दो डिलीवरी एड्रेस अपना या फूड पांडा में लिख दो कि भाई मुझे गुलशन समझ में डिलीवरी करनी है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो इस चीज़ों को डील ही नहीं करता है ये गुलशन समझ जो आपने नाम दिया हुआ है ना ये आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या आपके कोई करीबी लोग हैं उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने उसको नाम दिया हुआ गुलशन समझ लेकिन एक्चुअल में जो उसको चाहिए आपके राइडर को पहुंचने के लिए वहां पे उसको चाहिए एब्सोलूट एड्रेस उसके अलावा वो काम नहीं कर सकता अब अगर हम बात करते हैं सीपीयू की हमारे सीपीयू को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या लेबल्स दिए हुए उसको नहीं चाहिए से, उसको लेबल्स नहीं चाहिए उसको नहीं चाहिए स्टार्ट प्रोग्राम उसको नहीं चाहिए कैरी ऑन उसको नहीं चाहिए फिनिश क्या है उसको नहीं पता काउंट डाउन क्या है उसको नहीं मालूम नम वन क्या है उसको क्या चीज चाहिए उसको चाहिए एप्सुलूट एड्रेसेस उसको एक्चुअल एड्रेस बताओ तो हम लोग जब भी अपने असेंबली लैंग्वेज को समझाना चाहते हैं मतलब अपने मशीन को समझाना होता है जब हमें इसको ट्रांसलेट करना होता है मशीन कोड के अंदर तो हम लोग उसकी ट्रांसलेशन करते हैं ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर जब हम पढ़ रहे थे अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसलेशन के बारे में हमने कंपाइलर पढ़ा था फिर इंटरप्रेटर पढ़ा था उसके बाद जो थर्ड वाला था वो था असेंबलर अब असेंबलर क्या होता है कि आपकी जो भी असेंबली लैंग्वेज है उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इनटू योर मशीन लैंग्वेज व्हिच इज जीरोस एंड वन किस स्टेप से करते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज टू पास असेंबलर सब यहाँ पे जरा नाम फोकस करो इंडिविजुअली भी पढ़ाऊंगा होता है तो वो क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं तो टू पास असेंबलर से हमें अपने कोर्ट को गुजारना पड़ता है जब जाके जो है वो उसको एग्जीक्यूट करता है अब टू पास असेंबलर क्या है ये फेजेज हैं फेज मतलब कि पहले आप अपने लाइन ऑफ कोर्ट को वन पास से गुजारते हो फर्स्ट पास जिसे कहते हैं फिर उसको जब वो सारी फर्स्ट पास की जितनी भी चीजें होती हैं वो क्लियर कर जाता है तो हम उसको सेकंड स्टेज में भेजते हैं विच इज सेकंड पास या उसको हम टू पास भी कहते हैं तो वो सेकंड पास होता है आपका सेकंड पास में जाके वो कुछ चीजों को करता है और आपको आउटपुट जनरेट करके देता है तो पहले आपकी जो लाइन्स ऑफ कोड्स हैं ये जो हर एक एक लाइन की कोड कोडिंग हुई भी है वो पहले वन पास में जाती है फिर टू पास में जाती है ये क्या चीजें होती हैं वो सब हम आते आहिस्ते बात करेंगे अभी फिलहाल बेसिक जो चीज़ तुम्हें तो समझ आ जानी चाहिए दैट इज इज कि टू पास असेंबलर बेसिकली अ प्रोसेस इन वी ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज लैंग्वेज इनटू मशीन सही है ताकि वो आपका कंप्यूटर समझ सके वो किन स्टेप्स में से गुजरता है वो सब बाद में डिस्कस करेंगे अभी बेसिक क्या है कि दो पास होते हैं हमारे पहले हमारा पूरा असेंबली लैंग्वेज कोड वन पास से गुजरता है फिर वो सेकेंड पास में जाता है सही है उसमें क्या क्या काम होंगे वो हम डिटेल में देखेंगे अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या करना होता है हम लोगों के पास दो टेबल्स होती हैं दो टेबल्स कौन सी होती हैं एक होती है इंस्ट्रक्शन टेबल और एक होती है हमारे पास सिंबल टेबल बहुत गौर से सुनो एक होती है हमारे पास जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं ना ये और डिटेल में ए टूब में पढ़ोगे तुम लोग जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं हमारे पास दो टेबल्स होती हैं एक, है, Instruction एक होती है इंस्ट्रक्शन टेबल एक होती है सिंबल टेबल इंस्ट्रक्शन टेबल क्या होती है इंस्ट्रक्शन टेबल वो होती है जिसमें होते हैं कीवर्ड्स कीवर्ड्स मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एल ये क्या तुमने खुद नाम दिया बताओ एल डी वी तुम लोगों ने खुद नाम दिया बताओ तुम लोगों ने तो नहीं दिया ना नाम इसको फॉर एग्जाम्पल एल या एस या डी E ये तुम लोगों ने नाम दिए क्या खुद असाइन किए तुम लोगों ने नाम ये तुम लोगों ने नाम असाइन नहीं किए हैं दे आर नोन एज की वर्ड्स इन्हें क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं की वर्ड्स जो असेंबली लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं कि ये इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं अब बात करते हैं उर्दू की तो उर्दू में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ उर्दू के होते हैं और वो जो हर वर्ड जो है वो आप किस में चेक करते हो डिक्शनरी में चेक करते हो यस yes या नो ये बताओ वो सारे वर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं इंग्लिश के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सर्च करना है मीनिंग टेबल टेबल क्या ये इंग्लिश का वर्ड है है यस या नो जो आपकी डिक्शनरी ना दैट इज योर इंस्ट्रक्शन टेबल जो आपकी डिक्शनरी है जिसमें सारी चीजें सारे वर्ड्स मौजूद होते हैं जो कि इंग्लिश ने रिजर्व कर लिया अपने लिए इंग्लिश ने बोला ये वर्ड्स मैं इस्तेमाल करूंगा तो वो सारे कहाँ पे होते हैं वो इंस्ट्रक्शन टेबल में होंगे मतलब डिक्शनरी में होंगे तो हमारी जो ये टर्म्स हैं एल डी बी सी एम पी जे एम पी एल डी 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 सी एस टी ओ ये सब आपके इंस्ट्रक्शन टेबल में मौजूद होते हैं सही है और हमारे पास जो वो चीजें जो कि आप खुद बनाते हो जैसे स्टार्ट प्रोग्राम कैरी ऑन फिनिश आपने इस इंस्ट्रक्शन को एक नाम दे दिया फिनिश आपने इस पर्टिकुलर सेल को नाम दे दिया काउंट डाउन ये आपने खुद नाम चूज किए तो ये कहाँ पे मौजूद होगा दिस विल बी इन योर सिंबल टेबल कहाँ पे सिंबल टेबल में होगा अब सिंबल टेबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये आपको फिल करना आना चाहिए पूरे स्टेजेस से आपका पूरा गुजरता है ट्रांसलेशन अच्छा आपके सिलेबस की अगर हम बात करें ना सिलेबस में बोलता है कि ये आपको करना आना चाहिए कि किस स्टेज से वो गुजर रहा है तो जरा हम उसको देखते हैं डिटेल में होता क्या है मैं पूरी स्टेजेस को एक रैंडमली बता रहा हूँ तुम लोग को ऐसे ही वर्बली फिर हम करके देखेंगे खुद उसको परफॉर्म करेंगे जो जो चीज़ें करता है आपका इसम्बले करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे फिर से लिखेंगे इसको तो पहले थ्योरी फिर परफॉर्म करेंगे फिर थ्योरी तो पक्का हो जाएगा इस तरीके से सही है करता क्या है भाई इस पहली लाइन को भी फिलहाल के लिए इग्नोर करना है दिस इज बेसिकली अ डायरेक्टिव इसे कहते हैं डायरेक्टिव ये मैं एंड में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को ठीक है बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे डायरेक्टिव को दिस इज योर डायरेक्टिव हम यहाँ से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे अभी फिलहाल के लिए इस चीज को इग्नोर कर दो मेरे लिए चलो अब वो आप लोगों से क्या बोल रहे हैं जरा पढ़ते हैं इसको नहीं 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 बेटा नहीं वाहि अभी फिलहाल ये आज का है यह, ये ल, सिंबल टेबल की बात हो रही है यहाँ पे इस टेबल को फिल करना है आप लोगों ने उसका सिंबॉलिक एड्रेस बताना होगा उसका एब्सोलूट एड्रेस बताना होगा अब बहुत गौर से सुनो सब पूरे प्रोसेस को गौर से सुनो हम लोग अभी कर रहे हैं वन पास वन पास में क्या होता है बहुत गौर से सुनो पहली फेज को देख रहे हैं जब ट्रांसलेशन की बात होती है तो वन पास में इस टेबल को फिल किया जाता है आपका कंप्यूटर जो होता है ना वो इस टेबल को फिल करता है खुद ही मैनुअली किस तरीके से करेगा मैं अभी करके बताऊंगा आपको आप खुद करना भी आना चाहिए आप लोगों को इस टेबल को फिल करता है वन पास के अंदर मतलब फर्स्ट पास जो होता है फर्स्ट स्टेज जो होती है क्या होती है जरा पढ़ते हैं फर्स्ट पास के अंदर हमेशा लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ते हैं रीड द कोड लाइन बाय लाइन रीड द कोड लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन पढ़ो मेरे साथ चलो सबसे पहली चीज आई आप लोगों की पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं मेरे साथ द प्रोग्राम हैज फॉर यू द प्रोग्राम नाउ स्टार्ट assembler to टू लोड first फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम टू एड्रेस हंड्रेड इसका क्या मतलब है टेल्स assembler टू लोड द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम जैसे ये पहली इंस्ट्रक्शन है ये पहली इंस्ट्रक्शन है इन्होंने इसको वो बोल रहे हैं आप लोगों को कि ये एब्सोलूट एड्रेस इसका वन हंड्रेड है सही क्या बोलना चल रहे हैं बेहतरीन 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 हामिस उनको बता रहे हैं कि जो पहली इंस्ट्रक्शन है ना दैट इज वन हंड्रेड अच्छा तो इसकी बाद वाली इंस्ट्रक्शन क्या होगी वन हंड्रेड एंड वन ये एबसोलूट एड्रेसेस हैं इसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन क्या होगी वन हंड्रेड एंड टू वन हंड्रेड एंड थ्री वन हंड्रेड एंड फोर जैसे आप घर होते हैं जैसे एक ट्वेल्व था तो उसके बाद वाला घर कौन सा होगा ए थर्टीन फिर उसके बाद वाला कौन सा होगा ए फोरटीन इस तरीके से बढ़ता है तो यहाँ पे भी आपकी जो मेमोरीज होती हैं वो इसी तरीके से बढ़ती हैं हैं बिल्कुल ये है। नहीं बेटा ये वो चीज नहीं है महादी दैट्स जीरो अगर रिलेटिव होता that's 0, 1, 2, 3. तो जीरो से उसको स्टार्ट करते कि इस इंस्ट्रक्शन से मुझे बताओ कौन सी

अच्छा जी एक सेकंड रुकना मेरे लिए अच्छा वन 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 फिर ये होगी वन वन टू काउंटिंग देख रहे ना कोई मैंने स्किप नहीं कर दो वन वन थ्री this is 114 this is 115 this is वन फाइव दिस इज चलो बेहतरीन वन हंड्रेड से स्टार्ट किया हम लोगों ने हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई उनको हम लोगों ने लिस्ट डाउन कर दिया सारी चीजें हो गई हैं आई थिंक काउंटिंग भी हम लोगों की सही है बेहतरीन चलो बेहतरीन Let's start. अच्छा अब हम लोगों ने करना क्या होगा पूरे प्रोसेस को सुनो सर नम वन भी एड्रेस में काउंट होता बिल्कुल बेटा ये भी नम वन भी काउंट होगा क्योंकि ये भी तो लेबल है ना एक हुसैन सही है चलो अब पूरे प्रोसेस को सुनो पूरे प्रोसेस को सुनो मैं पूरा प्रोसेस तुम लोगों को समझा रहा हूँ असेंबलर किस तरीके से काम करता है तो अब सबका फोकस चाहिए मुझे हम लोग लाइन बाय लाइन चीजों को रीड करते हैं सबसे पहले हम लोगों ने इस लाइन से स्टार्ट किया तो व्हाट्स द फर्स्ट सिंबल दैट यू हैव इनकाउंटर्ड स्टार्ट प्रोग्राम ऐसे ही है फर्स्ट सिंबल स्टार्ट प्रोग के नाम से अब जाके चेक करना है इज इट प्रेजेंट इन योर सिंबल टेबल यस या नो। क्या स्टार्ट प्रोग्राम प्रोग के नाम से जो है वो क्या आपके सिंबल टेबल में है या नहीं है यस yes नो no? जल्दी बताओ बेटा बेटा सब जरा चार्ट पे एक्टिव हो जाए मेरे साथ क्या आप लोगों का स्टार्ट प्रोग्राम सिंबल टेबल में है या नहीं है नहीं है तो आप यहाँ पे लिख दो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया स्टार्ट हाँ तो वही तो सवाल कर रहा हूँ ना राहिद स्टार्ट प्रो ये आपकी पहली इंस्ट्रक्शन आपने की है अच्छा अब मुझे बताओ क्या हमें इसका एब्सोलूट एड्रेस नोन है मतलब यहाँ पे हमें इजीली हमें पता चल सकता है वन हंड्रेड क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट प्रॉक पे ही हैं तो वहां पे उन्होंने हंड्रेड जो है मौजूद था उसका तो हमने इजीली इसको अपने पास एबसोलूट एड्रेस असाइन कर दिया दैट इज वन हंड्रेड तो ये आपकी सेकंड इंस्ट्रक्शन आपने अभी परफॉर्म किया है सही है ये जो वन टू लिख रहा हूँ ये स्टेप्स लिख रहा हूँ अच्छा उसके बाद इसी स्टेटमेंट के अंदर इसी लाइन के अंदर डू वी हैव एनी अदर सिंबल कोई और सिंबल है हमारे पास इसी लाइन के अंदर अभी फिलहाल हम इसी लाइन पे मौजूद हैं इस देयर एनी अदर सिंबल एक तो स्टार फ्रॉग हो गया एक और इसके अंदर सिंबल इस्तेमाल हो रहा है काउंटडाउन काउंटडाउन भी तो एक सिंबल है ना काउंटडाउन भी एक सिंबल है तो हमने जाके चेक करो फिर से सिंबल टेबल में काउंटडाउन है हमारे पास एससीएनओ yes, you know. क्या हमारे पास सिंबल टेबल में काउंट डाउन है नहीं है तो लिख दो यहाँ पे काउंट डाउन दिस इज माई थर्ड स्टेप अच्छा क्या मुझे काउंट डाउन का यहां पे इसी स्टेटमेंट पे रहना कहीं और मत जाना अभी फिलहाल क्योंकि हमेशा असेंबली का जो असेंबलर होता है ना जो ट्रांसलेशन uh, कर रहा होता है बेटा थर्ड स्टेप है ना राहित से देखी थर्ड स्टेप ये जो ये वन टू थ्री लिख रहा हूँ आर स्टेप्स पहले हमने स्टार्ट प्रॉक को लिखा फिर उसके बाद उसका एबसोलूट एड्रेस लिखा फिर तीसरा हमें काउंट मिला तो हमने थर्ड लिखा अभी फिलहाल सिर्फ इसी लाइन पे रहना कहीं और किसी और लाइन पे मत जाना क्या मुझे इसी लाइन पे रहते हुए काउंट का एब्सोलूट एड्रेस पता चल सकता है कहीं और मत जाना काउंट डाउन का एबसोलूट एड्रेस काउंट डाउन का एबसोलूट एड्रेस इज वन टू सही है काउंट डाउन का एबसोलूट एड्रेस इज वन वन टू तो हमें नहीं पता चल सकता हम अभी ऊपर मौजूद हैं राहत सिद्दीकी बेटा गलत जवाब अब्दुल समद गलत जवाब हमें नीचे नहीं जाना है अभी फिलहाल हम इसी स्टेटमेंट पे रहेंगे इसी स्टेटमेंट पे रहते हुए मुझे बताओ बेटा हंड्रेड तो ये स्टार्ट प्रॉक का है ना ये हंड्रेड जो है स्टार्ट प्रॉक का है ना दिस एप्सोलूट एड्रेस इज बेसिकली ऑफ स्टार्ट प्रॉग काउंट एड्रेस इज वन टू सही है तो हमें नहीं पता चल सकता तो हम जब तक हमें नहीं पता चलता ना हम यहाँ पे एक चीज लग देते हैं विच इज नोन एज अनोन अभी फिलहाल हमें नहीं पता हम जब तक हमें नहीं पता हमें क्या लिख देंगे अननोन दिस इज माई फोर्थ स्टेप सही है आपने अननोन लिख दिया चलो आगे बढ़ो ये वाली लाइन पूरी हो गई है अब आगे बढ़ते हैं दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं इस लाइन पर आ जाओ सी एम पी नम वन क्या इसके अंदर कोई ऐसा हमारे पास सिंबल है डू हैव एनी सिंबल इन दिस पर्टिकुलर लाइन लाइन बाय लाइन रीड करना है लाइन बाय लाइन रीड करो मेरे साथ क्या हमारे पास कोई सिंबल है यहाँ पे दैट इज नंबर बेटा और से देखो ना वन है ना सिंबल ठीक है नंबर सिंबल क्या मेरे पास नंबर सिंबल टेबल में मौजूद है यस yes नो no? कहा है बेटा हामिस नहीं है ना ठीक है तो आप यहाँ पे क्या करोगे नंबर को अपने सिंबल टेबल में एड करोगे दिस इज योर फिफ्थ स्टेप अच्छा अब मुझे जरा देख के बताओ इसी लाइन में रहना कहीं और मत जाना इसी लाइन में रहना कहीं और नहीं जाना क्या मुझे नंबर वन का एड्रेस पता चल सकता है यहाँ पे क्या मुझे एड्रेस ऑफ नंबर वन पता चल सकता है इसी लाइन पे रहते हुए नंबर वन का एब्सोलूट एड्रेस इज वन वन सिक्स हमें नहीं पता चल सकता सही है जब तक हम यहां तक नहीं पहुंच जाते बेटा नाम से पता चलेगा ना हुसैन काउंट डाउन फिनिश कैरी ऑन ये सब यहाँ पे लेबल्स दिए हुए तो हैं तुमने इतना आइडेंटिफाई किया हुआ था ये सब सिम्बल्स हैं क्लियर हुआ चलो तो नंबर वॉज अ लेबल तो हमें यहाँ पे भी नहीं पता चल सकता तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं अननोन लिख दूंगा मैंने यहाँ पे अननोन लिख दिया दिस इज माय सिक्स्थ स्टेप चलो तक हो चुके हैं हम लोगों का काम फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे सर हमने हंड्रेड बेटा ये स्टेटमेंट जो है दिस इज अ डायरेक्टिव इसको छोड़ दो राहद मैंने कहा था ना यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग दिस इज अ डायरेक्टिव ये बताता है कि आपने ओ आर जी वन हंड्रेड ये बता रहा होता है कि आपने जो अब पहली इंस्ट्रक्शन है ना दैट इज स्टार्ट प्रोग्राम तो यहां से स्टार्ट करनी है दैट इज अ डायरेक्टिव ये हम एंड में पढ़ा, पढ़ाता हूँ तुम लोगों को फिलहाल सही है चलो अभी तक हम लोग कहां तक थे यहां तक की हम लोगों ने कर लिए सारी चीजें बेटा नहीं राय तो उसको छोड़ दो अभी फिलहाल इसको इग्नोर कर दो सही है मैं बताता हूँ तो टेंशन ट्रेंच, नहीं लो इसके बारे में अच्छा नेक्स्ट स्टेटमेंट विच एन ई कैरी ऑन कोई सिंबल यहाँ पे हमें इनकाउंटर हो रहा है जल्दी से बताओ इज एनी सिंबल क्या मेरे पास कैरी ऑन सिंबल टेबल में है री ऑन सिंबल टेबल में है नहीं है एड कर दोन दिस इज योर से मुझे इसका एक चीज और बताओ क्या मुझे इसका एड्रेस पता चल सकता है क्या मुझे कैरी ऑन का भी एड्रेस पता चल सकता है अब्दुल समज क्या मुझे कैरी ऑन का एड्रेस पता चल सकता है सिर्फ अगर इसी इंस्ट्रक्शन पे रहूं मैं नहीं पता चल सकता जब तक मैं यहाँ नहीं पहुंच जाता मुझे कैरी ऑन का एड्रेस नहीं पता चलेगा तो मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा अनोन अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता भाई एट ये हो गई आपकी एट इंस्ट्रक्शन चलो लेट्स मूव ऑन टू जे एम पी फिनिश इस इंस्ट्रक्शन पे आ जाओ इज देर एनी न्यू सिंबल ट वी इनकाउंटर कोई नया सिंबल है हमारे पास कोई सिंबल है ये बताओ सिंबल है नया वायर छोड़ दो कोई सिंबल है हमारे पास दैट इज फिनिश बिल्कुल रूहान फिनिश यह आपकी एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है ये वन टू थ्री सही है फिनिश क्या हमारे पास इस पर्टिकुलर टेबल में फिनिश मौजूद है नहीं मौजूद तो लिख दो यहां पर फिनिश दिस इज योर नाइन्थ इंस्ट्रक्शन चलो क्या मुझे यहां से उसका एब्सोलूट एड्रेस पता चल सकता है क्या मुझे यहां से एबसोलूट एड्रेस पता चल सकता है जवाब है नहीं जब तक मैं यहां नहीं पहुंच जाता मुझे नहीं पता चल सकता चलो यहां तक की इंस्ट्रक्शन सबने कर ली थी मेरे साथ लेट्स मूव ऑन टू इस स्टेटमेंट पर आ जाओ कैरी ऑन क्या कैरी ऑन इज ऑलरेडी इन माई सिंबल टेबल यस या नो कैरी ऑन मेरे पास सिंबल टेबल में पहले से मौजूद है या yes no? बेटा सब पे हो। सब पे है, जल्दी जल्दी बिल्कुल मौजूद मौजूद है है हमारे पास on, already, है। तो अब हम क्या करेंगे अच्छा सॉरी फिनिश में मैंने अनोन लिखा आप लोगों का माई बैड अनोन यहाँ पे लिख लेता दिस वॉज योर टेंथ इंस्ट्रक्शन अच्छा अब हम बात रहे थे इस इंस्ट्रक्शन पे कैरी ऑन वाली इंस्ट्रक्शन पे तो क्या मुझे मेरे पास कैरी ऑन बिल्कुल टेबल में ऑलरेडी मौजूद है क्या अब मुझे इसका एप्सोरूट एड्रेस पता चल सकता है सब बताओ एप्सरूट एड्रेस बताओ इसका एक्चुअल एड्रेस क्या है दैट इज वन जीरो फोर तो अब हम यहाँ जाएंगे कैरी ऑन के पास कैरी ऑन की टेबल में फिल कर देंगे वन जीरो फोर दिस इज माई एलेवेंथ स्टेप जो मैंने परफॉर्म किया चलो अब अननोन था पहले अब अननोन नहीं रहा सही इसको हम यहां पे ऐसे लाइन बना देंगे एक चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स लिखने होंगे आप लोगों को भी आप लोगों के लिए एग्जामिनर को बताने के लिए जरूरी है कि ये पहले किया फिर ये किया क्या चीज़ आयशा पूछो मा उसको छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए मैं समझा दूंगा तुम्हें तो आयशा क्या चीज़ पूछनी है ये वन जीरो फ़ोर वाली चीज़ पूछनी है अच्छा अब बताओ अब यहाँ पर आ गए थे हम लोग यहाँ तक की स्टेटमेंट सारी हमने ऊपर की कर ली थी यहाँ तक पहुँच गए मेरे यहाँ तक साथ हो मेरे मेरी आयशा ये बताओ हाँ अब बताओ कि क्या हमें कैरी ऑन की यहाँ से एब्सोल्यूट एड्रेस मिल सकता है बिल्कुल मिल सकता है तो बताओ क्या एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है कैरी ऑन का

हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलता है तो पहले अननोन हुआ फिर बाद में उसको वैल्यू मिल गई तो उसने लिख दी समझ आई ऐसा ये चीज़ तो पहले आप जब फिल कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता तो जब तक आपको नहीं मिल रहा था तो आपने उसको अननोन ही रहने दिया जैसे ही आपको मिल गया आपने लिख दी वैल्यू आपका कंप्यूटर भी इसी तरीके से चलता है पहले वो देखता है अच्छा अभी तक नहीं मिली अननोन आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ जब मिल गई वैल्यू लिख दी बेटा ये हमने लेबल किया था ना हुसैन आपका इस चीज़ को समझो आपका कंप्यूटर बेवकूफ़ है आपको उसको हर चीज स्टेप बाय स्टेप बतानी है हर चीज उसको स्टेप बाय स्टेप बताओगे तो ही चलेगा वरना नहीं चलेगा वो तो उसको पहला स्टेप ये होता है कि वो देखता है ढूंढता है अगर मिल गई उसको तो वो लिख देगा जैसे हमें स्टार्टिंग में ही मिल गई थी स्टार्ट प्रॉक की तो उसको कंप्यूटर ने उसको लिख दिया हंड्रेड लेकिन वो दूसरी लाइन में गया काउंट डाउन उसको काउंट डाउन नहीं मिला तो उसने उस वक्त अन लिख दिया फिर वो नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा क्योंकि हमेशा असेंबलर जो होता है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है समझ आई हो ये चीज तो आपको जब तक नहीं मिल रहा आप अननोन रखो जैसे ही उसको मिल गया आपको लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन जैसे ही मिल जाएगा आप उसकी वैल्यू को लिख दो आयशा हुसैन दोनों को क्लियर है ये आयशा क्लियर है तुम्हें चलो बेहतरीन अच्छा अभी हम लोग लाइन बाय लाइन चीजों को लेकर चल रहे हैं खुद देखो मैं किस तरीके से जिस तरीके से कंप्यूटर करता है ना उस तरीके से ही हम लोग कर रहे हैं अच्छा अब स्टेटमेंट पर आ जाओ एल टी डी काउंट डाउन क्या काउंट डाउन हमें एक नया सिंबल मिला काउंट डाउन क्या काउंट डाउन हमारे सिंबल टेबल में है यस या नो अगर सिंबल टेबल में तो इग्नोर करो क्या मुझे काउंट डाउन की यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू पता चल सकती है एब्सोल्यूट एड्रेस पता चल सकता है काउंट डाउन का बेटा काउंट डाउन का प्रज्वल काउंट डाउन काउंट डाउन का, countdown का ये रहा वन वन टू उसके लेबल पे जाके चेक किया करो सही है तो नहीं पता चल सकता इस लाइन पे रहते हुए हमें नहीं पता चल सकता हमारे कंप्यूटर के मुताबिक अपने दिमाग को कर लो तुम लोग अपने एक्चुअल जो तुम लोग सोच रहे हो तो उस तरीके से कर रहे होते हो महादी इस पूरी इंस्ट्रक्शन का एब्सोलूट एड्रेस इज वन जीरो फाइव काउंट का एड्रेस इज वन टू सही है पूरी इंस्ट्रक्शन का एल काउंटडाउन का एड्रेस इज वन जीरो फाइव और काउंटडाउन का एड्रेस इज वन वन टू आप लोगों का जो कंप्यूटर है ना उसको ये सब नहीं दिख रहा है आपके कंप्यूटर को ये सब नहीं दिख रहा है आपका कंप्यूटर जिस लाइन पर है उसी लाइन पर रहेगा तो अपने दिमाग को भी उसी लाइन पर रखो चलो यहां तक हमें नहीं मिल सकता हमने इग्नोर किया डीईसी कोई सिंबल नहीं है यहां पर आ जाओ काउंटडाउन क्या काउंटडाउन ऑलरेडी सिंबल टेबल में है यस या नो डाउन सिंबल टेबल में है, है? ये नो बेटा पे foreign पे हो, हो, इसको ignore कर देंगे। क्या हमें से पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता Start पे आ already हो गया भाई ये चीज़। अब आ finish. Finish 109. क्या finish already मेरे पास symbol table में है बिल्कुल है क्या मुझे उसका एबसुलूट एड्रेस पता है नहीं पता तो मैं क्या करूंगा क्या मुझे इस लाइन पे रहते हुए पता चल सकता है बिल्कुल पता चल सकता है दैट इज वन जीरो नाइन तो हम क्या करेंगे फिनिश पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे वन जीरो नाइन दिस इज माई ट्वेल्थ इंस्ट्रक्शन दिस इज माई ट्वेल्थ स्टेप जो मैंने परफॉर्म किया चलो लेट्स मूव ऑन आगे बढ़े अब उसके बाद आउच आउच पे कोई सिंबल नहीं था एंड एंड पे भी कोई सिंबल नहीं था लाइन बाय लाइन मूव करो अब मैं इस लाइन पर आ गया काउंट डाउन क्या मुझे यहां से काउंट डाउन ऑलरेडी सिंबल टेबल में है मैंने जाके चेक किया सिंबल टेबल में है बिल्कुल है अब मुझे बताओ काउंट डाउन की कोई वैल्यू मुझे एड्रेस पता चल सकता है यहाँ से जिस लाइन पर हूं मैं बिल्कुल पता चल सकता है दैट इज तो आप गए काउंट डाउन पे आपने लिखा वन वन टू दिस इज माई थर्टीन स्टेप जो मैंने परफॉर्म किया है और अननोन से अब हटके कट चुका है वो एक लाइन लगा दिया करो उसके बाद नेक्स्ट थर्टी टू फिर फिफ्टी वन कोई सिंबल नहीं सिक्सटी सेवन कोई सिंबल नहीं फिर आ गए यहाँ पे नम वन पे सिंबल है ऑलरेडी टेबल में है क्या मुझे एब्सोल्यूट एड्रेस पता पता चल चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है है बिल्कुल आप जाओगे यहाँ पे और लिखोगे वन वन सिक्स वन वन सिक्स दिस इज योर फोर्टीन स्टेप जो आपने परफॉर्म किया दैट्स इट यू आर डन विद इट ये आपका वन पास हुआ है अभी तक आपका फाइनल आंसर नहीं है आपके कंप्यूटर को हमने एक ऐसी टेबल बना के दे दी है कि जब भी उसको स्टार्ट प्रॉग मिलेगा आपका आपका कंप्यूटर क्या करता है उसको स्टार्ट प्रॉग मिला अपनी स्टेटमेंट के अंदर वो आ जाएगा इस टेबल के ऊपर वो बोलेगा अच्छा स्टार्ट प्रॉग जो है वो हंड्रेड की बात हो रही है समझ लो डिलीवरी एड्रेस को ना जो डिलीवरी वाला बंदा है उसको आपने एक टेबल दे दिया गुलछने समझ उसका एड्रेस है ए तो जब भी हम उसको गुलछने छने बोलेंगे वो जाएगा टेबल के अंदर और वो गुलशन सवर में जाकर उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखेगा उसका एक्चुअल एड्रेस क्या है ए थर्टीन वो उस पर जाकर डिलीवर कर देगा इस तरीके से आपका सीपीयू काम करता है आपके सीपीयू को मिला स्टार्ट प्रॉग उसने वो घबराता नहीं है वो जाता है सिंबल टेबल में जाके देखता है हाँ अब बताओ भाई स्टार्ट प्रॉग है स्टार्ट प्रॉग का एक्चुअल वैल्यू क्या है हंड्रेड अच्छा चलो अब मैं हंड्रेड पे चला जाता हूँ वहां से चीज को जो उठाना है जो भी चीज करनी है वो मैं कर लूंगा सही है फिर उसको मिला काउंट अब वो घबराएगा नहीं वो आएगा नीचे सिंबल टेबल के पास सिंबल टेबल से बोलेगा अच्छा मुझे इसका एबसुलूट एड्रेस बताओ वो बोलेगा वन वन टू वन वन टू पर जाएगा सीपीयू और उधर से एक्सेस कर लेगा इसी तरीके से आपका जो डिलीवरी वाला बंदा है गुलशन समद था गुलशन फाखर था गुलशन बानो था तो वो क्या करेगा हर एक एक उस पर जाएगा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एप्सुलूट एड्रेस को देखेगा टेबल में से और उस पर जाकर डिलीवर कर आएगा इसी तरीके से आपका सीपीयू काम करता है दिस इज योर वन पास ये आपका फर्स्ट पास हुआ है यू हैव सेकेंड पास एज वेल सही है अच्छा इसके बाद एक और सवाल है आ, पहले एक अच्छा पहले मुझे ही बताओ सबको पूरी पूरी कहानी समझ आई बिल्कुल ऐसे ही है महादी हम जब तक करेंगे जब तक सबके सिंबॉलिक एड्रेसेस पूरी लाइन बाय लाइन रीड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक, तक तुम्हारी पूरी ना हो जाए हाँ मादी मैं समझा रहा हूँ चल अब जि, जिसको ये चीज कंफ्यूज कर रही है ना कि ये हमने पहली लाइन को वन हंड्रेड क्यों नहीं कहा ये आपका पहला डायरेक्टिव होता है दिस इज अ डायरेक्टिव जो कि असेंबली लैंग्वेज को किस तरीके से चलाना है ये असेंबली लैंग्वेज उसके प्रोसेस को देख रहा होता है डायरेक्टिव ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है असेंबली लैंग्वेज की जो कि ट्रांसलेट नहीं होती जिससे बताता है कि अच्छा यहाँ से स्टार्ट करना तो ओ आर जी हंड्रेड का मतलब ये होता है योर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दिस इज दिय फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज एल डीवी काउंट डाउन ज बेसिकली ऑन हंड्रेड वैल्यू माध्यम ये चीज क्लियर हुई चलो बेहतरीन अच्छा अब पूरी कहानी हमने सुन ली है अब पूरी कहानी मेरे साथ लिख लो एक दफा ताकि जरा पढ़ते हैं इसको ऑन द फर्स्ट पास ऑफ द टू पास प्रोसेस दर यह आप लोगों का सवाल है पास सुबह का ऑन द फर्स्ट पास ऑफ द टू पास प्रोसेस दर एड इन एंट्रीज टू असिम्बल टेबल

कि किस तरीके से असेंबलर ने इनकी एंट्री को सिंबल टेबल में डाला है तो जो पूरा स्टेप हमने अभी किया है ना वो चीज आपने लिखनी है अपने अल्फाजों में जो भी चीज अभी हमने की है कि आपने लाइन बाय लाइन रीड किया इन सीक्वेंस आपने फिर जाके चेक किया क्या वो सिंबल टेबल में था नहीं था तो हमने ऐड कर दिया सही है और अगर फिर हमने उसका देखा क्या हमें उसका एब्सोल्यूट एड्रेस पता चल सकता है नहीं पता चल सकता हम अननोन लिख देंगे सही है फिर आप लोग क्या करोगे उसको बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे जैसे ही मिल जाएगा एबसुलूट एड्रेस उसका एब्सुलूट एड्रेस लिख दोगे नहीं मिलेगा तो आप लोग लिख दोगे अननोन सही है चलो अब जरा पूरी कहानी को लिख ले मेरे साथ जल्दी से ताकि आप लोगों को पता हो कि एक्चुअली लिखना क्या है जरा मेरे साथ मार्क्स की लिखते हैं चलो, दी असेंग्लर, दी असेंग्लर, जब भी हम लोगों ने काम किया है वही लिखना है टू स्टेप्स इन बेटा ये पहला पास है इसके बाद सेकेंड पास भी होता है वह हम अभी डिस्कस करेंगे देंबलर स्कैन दी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस सीक्वेंस में उसको स्कैन करता है लाइन बाय लाइन पढ़ता है इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस

इफ ऑलरेडी इन सिंबल टेबल अपने अल्फाजों में लिख देना कोई मसले की बात नहीं इफ ऑलरेडी इन सिम्बल टेबल इफ ऑलरेडी इन सिम्बल टेबल इफ नॉट और अगर नहीं है इफ नॉट इट एड्स अगर नहीं था तो हम लोग एड करे थे इट एड्स इट टू दी सिंबल टेबल अगर नहीं है तो सिंबल टेबल में ऐड कर दो ये आप लोगों ने याद करना है वैसे तो हमने पूरा परफॉर्म करके देख लिया लेकिन फिर भी याद करना पड़ेगा इन दी सिम्बोलिक एड्रेस कॉलम इन दी दिबॉलिक एड्रेस कॉलम सिंबॉलिक एड्रेस कॉलम इफ इट इज ऑलरेडी इन सिंबल टेबल और अगर ऑलरेडी सिंबल टेबल में है इफ इट इज ऑलरेडी इन सिंबल टेबल इफ इट इज ऑलरेडी इन सिंबल टेबल चेक फिर चेक करो क्या चीज चेक करेंगे एब्सोलूट एड्रेस को चेक करेंगे चेक इफ एब्सोलूट एड्रेस इज नोन एब्सोलूट एड्रेस नोन चेक करो कि एब्सुलट एड्रेस आप लोगों को पता है या नहीं पता इफ दी इफ़ दी एब्सोलूट एड्रेस इफ दी एब्सलूट एड्रेस इज नोन इज नोन अगर हमें पता चल जाए एब्सोलूट एड्रेस इट इज एंटर्ड पता चल गया तो उसको डाल दो अप्रोप्रियट सेल में इट इज एंटर्ड इन अप्रोपरीट मतलब उसका जो कॉलम दिया होगा उसमें डालना है आपने अप्रोप्रिएट सेल और अगर नहीं पता आपको तो क्या लिखेंगे बताओ सब चार्ट पे. अगर हमें एब्सोलूट एड्रेस नहीं पता तो क्या लिखेंगे इफ दलूट एड्रेस बेटा चार्ट जवाब दो अगर हमें एब्सोलूट एड्रेस नहीं पता इज़ नॉट नोन तो हम क्या लिखेंगे ज नॉट नोन अगर नहीं पता तो हम लोग देन लीव अनोन तो हम अनोन रहने देंगे उसको ये हो गया जी आपका पूरी कहानी जो हमने पढ़ी है से से में से तीन नहीं बेटा कोई तीन पॉइंट नहीं लिखने होंगे पूरी कहानी लिखनी है आपने पूरी कहानी लिखोगे सही है जरा पार्ट डी पढ़ लें इसका जल्दी से पार्ट डी असेंबलर सॉफ्टवेयर मस्ट देन कंप्लीट द सेकंड पास सेकंड पास करना होता है बाय बिल्डिंग अप एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम द सेकंड टेबल नीड इड वन दसेंबलर सॉफ्टवेयर कैरीज आउट द सेकंड पास अच्छा मुझे बताओ कौन सी टेबल दो टेबल्स होती हैं एक होती है सिंबल टेबल एक होती है दूसरी टेबल का नाम क्या था इंस्ट्रक्शन टेबल इंस्ट्रक्शन टेबल जो हमने डिक्शनरी टाइप पढ़ी थी बिल्कुल ऐसे मा दी बिल्कुल ऐसे ही है द सेकेंड टेबल दट वी नीड इंस्ट्रक्शन टेबल पहली सिंबल टेबल है, सही है? तो में क्या होते थे की वर्ड होते थे हर चीज के एल डी वी एल डी डी जे एम पी जे पी एन जे एन ई आउट इन इस तरीके की चीजें सही है चलो अब जरा इस सवाल को आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है ये एक सवाल दिया हुआ है आप लोगों को और ये आप लोगों से फ़िल करने को बोल रहा है ये आप लोगों को मैं अभी पी सेंड कर रहा हूँ तो ये ख़ुद फिल करना है रेलेटिव एड्रेस आप लोगों को फिल करने हैं इसके रेलेटिव जरा सवाल को गौर से पढ़ लेना है दिस इज़ रेलेटिव एड्रेस तो क्या करोगे एल डी बी जहाँ पे लिखा हुआ है वहां से जीरो वन टू की काउंटिंग स्टार्ट कर दो और उन एड्रेसेस को तुम लोगों ने यहाँ पे फिल करना है सही है बेटा ये सिर्फ एक ही दफ़ा आया था विच इज़ टू थाउजेंड सेवेंटीन दैट और उसके बाद अभी तक नहीं आया ठीक है ये सवाल आप लोगों ने

टू पास असेंबलर की इंफॉर्मेशन अच्छा जी टू पास असेंबलर के बारे में बात करते हैं आप जल्दी से और फिर आप लोग जाएं चलो जी बस ये दो मिनट का काम है आप लोगों के लिए बस फिर आप जा सकते हैं इसके बाद चलो जल्दी से बस पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा बातें नहीं करेंगे इसके हवाले से क्योंकि अभी सब चीजें हम पढ़ चुके हैं अच्छा दो पास टू पास असेंबलर क्या होता है टू पास असेंबलर में दो फेजेस होती हैं एक फर्स्ट पास होता है मतलब जिसको आप वन पास भी कहते हो जो फिर आपके पास सेकंड पास होता है जिसको आप टू पास कहते हो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड मशीन कोड मतलब जीरो किस तरीके से कन्वर्ट होता है टू पास असेंबलर में हमने वन पास पूरा ऊपर करके देखा अभी पूरा पूरा परफॉर्म किया हम लोगों ने उसमें कुछ एडिशनल चीजें भी होती हैं दैट इज अगर कोई खाली लाइन उसने डाल दी है ब्लैंक लाइन डाल दी है उसको रिमूव करना है, या कोई कमेंट लिखा हुआ है तो उसको हटाना है कमेंट का कोई फायदा नहीं होता है uh, कमेंट जो होते हैं वो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं तो पहली चीज फर्स्ट पास, पास में क्या करते हैं हम लोगों ने जो की दैट इज रीड सोर्स कोड वन लाइन एट अ टाइम एक एक लाइन को रीड करते जाओ वाइट स्पेसिस जितने भी उनको रिमूव कर दो जो वाइट स्पेसिस क्या होती हैं स्पेसिस जो हैं जैसे ये स्पेस हो गई ये किसी काम की नहीं है आपके कंप्यूटर के लिए आपका कंप्यूटर कोई इसको नहीं देखता है उसको स्पेसिस से कोई ताल्लुक नहीं है उसको आंसर किस में चाहिए जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन इस तरीके से आउटपुट चाहिए तो वो स्पेसिस को हम लोग रिमूव कर देते हैं जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो रीड दी सोर्स कोड वन लाइन एट ए टाइम ये फर्स्ट पास के अंदर ये आपको पता होनी चाहिए तो आप लोगों से पूछ सकता है रिमूव वाइट स्पेस किस में करते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट पास के अंदर करते हैं आप कमेंट्स को किस पास में रिमूव करते हो फर्स्ट पास में करते हो ये आप लोगों को पता होना चाहिए सही रिमूव वाइट स्पेस

लेकिन अब फिर भी पढ़ लेंगे इसको एक तरीके से एहतियातन के तौर पे कि अगर उन्होंने पूछ लिया तो सिलेबस में से रिमूव कर दिया उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ मैक्रोस डायरेक्टिव्स को डील करना ये सब फर्स्ट पास के अंदर होता है इन दिन इंस्ट्रक्शन सेट इसका क्या मतलब है चेक्स क्या होता था दल डी वी एल डी डी एल डी एम दिस इनको हम क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं ऑपकोड ये सारे ऑपकोड है क्या आपके ऑपकोड इंस्ट्रक्शन टेबल में मौजूद हैं भी या नहीं है मतलब क्या ये असेंबली लैंग्वेज है भी है नहीं या अपने से बना रहे हो तुम तुम लोग दैट्स द थिंग सही अगर पे लिख दो एल एस ई क्या ये चीज असेंबली लैंग्वेज का हिस्सा है यस या नो एल एस ई कोई ऐसी चीज पढ़ी अभी तक हमने बेटा चैट पे एक्टिव हो जल्दी 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 चैट पे एक्टिव हो LSE, कुछ ऐसी चीज पढ़ी हम लोगों ने नहीं पढ़ी तो क्या ये इंस्ट्रक्शन सेट में होगा क्या ये चीज इंस्ट्रक्शन सेट में होगी नहीं होगी राइट right? तो ये चीज चेक करता है आपका फर्स्ट पास के अंदर कि क्या जो तुम जो ऑपकोड इस्तेमाल कर रहे हो क्या ये मौजूद है भी या नहीं इंस्ट्रक्शन सेट में इंस्ट्रक्शन टेबल के अंदर मतलब ये रिजर्व वर्ड है या नहीं है असेंबली लैंग्वेज का वर्ड है या नहीं है सही है तो चेक्स इज इन दिन इंस्ट्रक्शन सेट और कमेंट्स को रिमूव करता है तो दैट इज योर फर्स्ट पास

कोड समझ लो अभी फिलहाल के लिए कि ये मशीन कोड है मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है वो कोड इस तरीके से समझ लो तो ऑब्जेक्ट कोड वो सेकंड पास पूरा उसको एग्जीक्यूट कर देता है दैट इज योर सेकंड पास आप लोगों को पता होना चाहिए अगर मैं बोलता हूँ रिमूव कमेंट इज इट फर्स्ट पास और सेकेंड पास चैट पे एक्टिव हो मेरे साथ रिमूव कमेंट फर्स्ट पास और सेकेंड पास फर्स्ट और सेकेंड बेटा चैट पे एक्टिव हो जाओ अल्लाह के बंदो जल्दी रिमूव कमेंट फर्स्ट पास या सेकेंड पास फर्स्ट रीड्स द सोर्स कोड लाइन एट ए टाइम इज इट वन और टू और अगर बोथ है तो बोथ लिखो रीड्स द सोर्स कोड लाइन एट ए टाइम बोथ इज द राइट आंसर दोनों में दोनों में पढ़ते हैं वन लाइन एट ए टाइम फर्स्ट पास में भी है सेकेंड पास में भी है सही है चलो बेहतरीन इसी तरीके से वो सवाल करेगा आप लोगों से कि भाई ये चीज फर्स्ट पास में या सेकंड पास में तो आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छा अब ये एक एडिशनल टर्म्स हैं जो कि एहतियातन पढ़ रहे हम लोग विच इज मैक्रोज और डायरेक्टिव बस मुझे दो मिनट दे दो फिर आप लोगों की क्लास खत्म सही मैक्रोज क्या होते हैं भाई मैक्रोज आर बेसिकली योर फंक्शंस सब रूटीन्स की तरह होते हैं मतलब कोई ऐसी चीज हम बना देते हैं मैक्रोस इस तरीके से कुछ बनता है मैं एक रैंडम बना के दिखा रहा हूं तुम लोगों को रैंडम इसको नाम दे देते हैं एड नंबर एड नंबर एक्स कॉमा वाई ऐसी रैंडम मैक्रो बना रहा हूं भी फिलहाल के लिए तुम लोगों के लिए फिर उसमें हम बोलेंगे लोड एक्स लोड वाई फिर उसके बाद बोलेंगे एड एक्स वाई फिर उसके बाद एंड फिर उसके बाद इसको स्टोर करवा देते हैं जेड के अंदर एक ऐसी रैंडम वेरिएबल करके स्टोर जेड फिर एंड अच्छा सिर्फ दो नंबर्स को ऐड करने के लिए मुझे तकरीबन ऐसी रैंडम एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दो नंबर्स को एक्स और वाई को आपस में ऐड करने के लिए मुझे कितनी इंस्ट्रक्शन करनी पड़ गई एक दो तीन चार पाँच यस या नो क्या मुझे पाँच इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ रही हैं पाँच लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ रहे हैं सिर्फ एक्स और वाई को ऐड करवाने के लिए यस yes ये ना no? बेहतरीन लिखने पड़ रहे हैं ना तो अब हम क्या करते हैं हम एक मैक्रो बना लेते हैं मैक्रो इस फंक्शन एक बना लेते हैं अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा कोड मैंने एक दफा लिख दिया बस अब मैं सिर्फ इसी चीज़ को इस्तेमाल करूंगा जो मैंने मैक्रो बनाया है एड नंबर सेवन एट फॉर एग्जाम्पल ऐसी रैंडम एग्जाम्पल समझा रहा हूं तो वो खुद ही तुम्हें आउटपुट दे देगा इसका वो स्टोर करके देगा सब चीजें खुद करके देगा मुझे ये चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है फिर मैंने बोला एड नंबर

Is a special instruction. Is a special instruction that guides the assembler, that guides the assembler. on how to on how to handle the assembly process chalo that's it bas samjha diya to jaldi se isko ko डायरेक्टिव ऐसी इंस्ट्रक्शन होती हैं जैसे ओ आर जी ई एन डी एंड एंड जो पढ़ते हो वो चीज एंड से क्या चीज़ पता चलती है ये बताओ मुझे एंड से आपके असेंबलर को जो ट्रांसलेट कर रहा है, एंड से उसको क्या पता चलता है जैसे ही उसको एंड मिलता है एंड कोई एंड तक पहुँचता है तो क्या पता चलता है उसको कि बस अब कोई कोड नहीं है दिस इज द एंड ऑफ द कोड ऐसे ही? है? तो दैट एंड इज बेसिकली योर डायरेक्टिव जो वो एंड है ना वो आपका डायरेक्टिव है एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है जो कि आपके असेंबलर को कुछ बताती है गाइड करती है कि यहां पे रुक जाओ यहाँ से स्टार्ट करो ओ आर जी जो है वो तो तो तुम्हें बताता है कि वन हंड्रेड एड्रेस पे चले जाओ वहां से स्टार्ट करो तो दैट इज डायरेक्टिव मैक्रोस क्या होते हैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क करती हैं सब रूटीन्स की तरह होते हैं डायरेक्टिव क्या होते हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो कि असेंबलर को बताती हैं ये ये चीजें करनी है आपने सही है तो दैट्स इट विद चैप्टर यू आर डन विद इट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को इसके नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे हर एक एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है और ये चीज़ जो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी आप लोगों को इंशाल्लाह आज रात तक सही है तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो उसकी जो नोट्स वगैरह हैं अपडेटेड नोट्स क्योंकि ये मैंने फिर से चैप्टर पढ़ा है इसके जो लेक्चर यूट्यूब पे थे वो पुराने लेक्चर्स हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आप लोगों की नहीं थी तो अभी हमने तकरीबन ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं जैसे माइक्रोज डायरेक्टिव लेकिन एहतियातन पढ़ लेना आप लोग सही है डू वी know, डू वी need टू know डाउन द फर्स्ट पास प्रोसेस बिल्कुल आपको सब ये याद होने चाहिए बेटा ये सब आपको याद होने चाहिए सेकेंड पास के सारी चीज़ें याद होनी चाहिए ठीक है तो अब आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में आ, और आप लोगों को जो व्हाट्सएप पे मैं अलग से पासवर्ड भी भेज दूंगा ऑल दो आप लोग के पास सब मौजूद हैं तो आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो रिवीजन करो स्टार्ट करो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है इसमें इस, इस चैप्टर के अंदर ही तो कुछ याद करने की चीज़ें नहीं है ऑल अबाउट प्रैक्टिस तो आप लोग बस पासवर्ड्स उठाओ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो सही है बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को मिल जाएंगे नोट्स भी अपडेटेड मैं ग्रुप पे डाल दूंगा उस पर ड्राइव पे भी अपडेट कर दूंगा वहां से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो सही है तो इनशाला नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट विद बिट मैनिपुलेशन वो भी इसी की एक तरीके से चीज है तो मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम और बिट मैनिपुलेशन असेंबली लैंग्वेज से थोड़ा बहुत लिंक्ड है तो पहले हम उसको खत्म कर देंगे सही है तो इट विद द क्लास टुडे इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में सही है अल्लाह हाफिज़